हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस अभी हम लोग MT15 से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने दो वीडियोस पहले डाली हुई थी और उनमें मैंने बताया था कि अब जो तीसरी वीडियो आएगी वो MT15 के माइलेज से रिलेटेड आएगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं MT15 का माइलेज टेस्ट करने। और तो हम हाईवे पर हैं अभी, ये NH46 जो कि भोपाल से ब्यावरा का हाईवे है। और अभी मैं जाऊंगा पेट्रोल पंप, तो दो बोतल मैंने रखी हुई है। एक बोतल जो है उसमें अपन माइलेज टेस्ट करेंगे और दूसरी बोतल जो ख़त्म हो जाएगा तो वहां से दूसरी बोतल डाल कर अपन निकल जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे। तो वो बैकअप के लिए है दूसरी बोतल जो है। तो अभी चलेंगे पेट्रोल पम्प और बोतल भरवा लेंगे। उसके बाद जो गाड़ी का माइलेज मैं आपको बताऊँ, जो मीटर में दिख रहा है वो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, तो वो 50 के 55 के लगभग आ रहा था। लेकिन अभी अपन रियल टेस्ट करेंगे, चला करके देखेंगे, क्योंकि वो तो मीटर है और रीडिंग तो कुछ भी आ सकती है, हो सकता है उतना आ जाए। लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई थी तो 47-48 के लगभग ही आ रहा था, बाकी रीडिंग में तो वही बताता है। तो ये है मेरे पास version 3 MT15 का, इसमें मीटर में भी दिखाता है, पता नहीं पहले वाले वर्जनों में दिखा रहा था या नहीं दिखाता है माइलेज। तो अभी चलते हैं अपन और पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं टेस्ट पे। सो गाइस अभी तक देखिए, आज जो वीडियो है हमारी मीटर है, मीटर में 3:11 मीटर है। और ये जो पेट्रोल है ये बिल्कुल एंड पे है, तो पहले ये पेट्रोल अपन लोग ख़त्म करेंगे। और ये पिछले 70-80 किलोमीटर से ब्लिंक कर रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये ख़त्म हो, उसके बाद थोड़ा बहुत डलवा भी लें तो उसके बाद माइलेज चेक करने में थोड़ा आसानी होगी। लेकिन अभी पता नहीं कितने किलोमीटर और मेरे को चलानी पड़ेगी गाड़ी, फिर उसके बाद मैं ट्रिप सेट करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा। तो गाइस अपन आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और ये रही दो बोतलें, तो एक एक लीटर अपन डलवा लेते हैं। 108 का डाल दो एक में और 108 का डाल दो दूसरी वाली बोतल में। तो एक से अपन माइलेज टेस्ट करेंगे, फिर जहाँ बंद हो जाएगी वहाँ से दूसरी बोतल में जो पेट्रोल है उससे घर आ जाएंगे वापस से। ये 108 का एक लीटर डल जाएगा अपना पेट्रोल। और ये MP का रेट है भोपाल, तो एक ये दूसरा है तो ये दूसरी बोतल में डाल लो। तो ये देखो, ये रहा पूरा एक लीटर पेट्रोल। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मेरी गाड़ी 70 किलोमीटर चल चुकी है और ये ब्लिंक किए जा रहा है, 70 किलोमीटर से ब्लिंक किए जा रहा है, लेकिन अभी तक भी पेट्रोल एंड नहीं हुआ है मेरी गाड़ी का। और अभी हम लोग 90 किलोमीटर तक आ चुके हैं, ये मान लीजिए अभी मैंने 15-20 किलोमीटर और चला दी है गाड़ी तब से जब मैंने लास्ट वीडियो अभी आपको बताया था। उसके बाद से अभी तक हमारी 20 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, लेकिन अभी तक भी पेट्रोल का कोई एंड नहीं आ रहा है और ये तब तक ब्लिंक किए ही जा रहा है। तो अभी देखते हैं और कितना आगे तक चलती है। तो मैं अभी अपना पेट्रोल डालूँ, उसके बाद हम लोग माइलेज टेस्ट करें, तो वो तो तभी पता लगेगा जब ये इसमें जो पेट्रोल है वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और 90 किलोमीटर से अभी तक कुछ भी मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है और कितना आगे तक जाएगी। मेरे एक फ्रेंड है, उसके पास है यामा की FZX है, तो वो बता रहा था कि जब ये लास्ट बार जब होता है, जब वो ब्लिंक करने लग जाए तो ये मान लो आपके 50 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी। लेकिन मेरी गाड़ी ये जो गाड़ी है MT15 ये ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक भी पेट्रोल है इसमें। तो अभी पता नहीं और कितना आगे तक जाएगी। और जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही मैं अपना जो हम लोग बोतल में भर के लाए हैं पेट्रोल वो डालेंगे और उसके बाद अपन लोग माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप वेट करो, थोड़ा सा ये वाला पेट्रोल ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गाड़ी ने झटका लिया है और देखते हैं और कहां तक चलती है, मतलब थोड़ा थोड़ा झटके ले रही है हम गाड़ी। और ये मान लो अब हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आ गए, हम लोग 100 किलोमीटर से अभी भी ये गाड़ी चले जा रही है और पता नहीं कब तक पेट्रोल ख़त्म होगा और कितना टाइम लगेगा। 100 किलोमीटर, ओ ये बेबी, हाँ अब झटका लिया है गाड़ी ने, अब झटका लिया है गाड़ी ने। चलो इनको हिच किया तो आई फाइनली। ये बंद हो चुकी है, अब यहाँ पे बंद हो चुकी है गाड़ी, अब यहाँ से अपन को अपना पेट्रोल डालना पड़ेगा। चलिए चुकी बंद है, मेरे को थोड़ा सा क्लच दबाने दो और गाड़ी को आगे लेके जाने दो। ये कर लेते अपन साइड में खड़ी गाड़ी को।
फोन लगा देता हूँ, मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपका। ये देखो थोड़ा बहुत चल रही है यार, और ये ऐसे बजे नहीं आते मेरे को। चलो कोई नहीं, जितना चल रही है तब तक चलाएं, फिर उसके बाद डालूंगा पेट्रोल में। ये फिर बंद हो गई है, ये देखो आप, रेस दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं जा रही कहीं पे भी। तो अब मैं निकाल लेता हूँ अपना पेट्रोल, गाड़ी को कर देते हैं खड़ी। चलिए गाड़ी होल्ड कर देते हैं अपन गाड़ी, ये लेकिन अभी भी बिलिंग कर रहा है ये, लेकिन पेट्रोल तो ख़त्म हो चुका है इसमें। सो गाइस ये रहा हमारा एक लीटर पेट्रोल, अभी अपन डालते हैं गाड़ी में और उसके बाद चेक करते हैं कि कितना माइलेज ये गाड़ी दे रही है। तो मैं जल्दी से मोबाइल वापस अपने हेलमेट में लगा लेता हूँ माउंट में, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। तो गाइस चलिए पेट्रोल डाल लेते हैं अपन इसमें। मेरे को एक तो मोबाइल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो ये रहा एक लीटर पेट्रोल, तो ये मैं डाल देता हूँ अभी। को यार कैसे डलेगा, दिख नहीं रहा है ना यार ये मोबाइल की वजह से। ये गया पेट्रोल गाड़ी के टैंक में, पीले बैठे। और अभी मेरे पास एक बोतल और रखी हुई है, तो जहाँ पे भी फिर ये ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा डाल के और घर को चले जाएंगे। हमारा ये हुआ किलोमीटर, ये हुआ ट्रिप वन, ये हुआ ट्रिप टू। तो इसको मैं रिसेट कर देता हूँ, ट्रिप टू हो गया जीरो, और किलोमीटर और एक बार चेक कर लेते हैं। किलोमीटर चली हुई है 2228 किलोमीटर, 2228 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपन लोग इसका माइलेज टेस्ट, कितने किलोमीटर चलती हो रही है। अभी भी बिलिंग ही कर रहा है, चलो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन उठाते हैं ब्रेक अपना, इसकी चेन लगी हुई है, ब्रेक उठाते हैं और अब चलते हैं अपन माइलेज टेस्ट करने। सो लेट्स गो गाइस। ओके तो हमने कर दिया ट्रिप टू सेट, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वहाँ पे, कितने किलोमीटर तक अब गाड़ी चलती है अपनी। अभी तक हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं, और देखते हैं आगे और कितना चलती है गाड़ी। तो मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि जो मैं आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर के लगभग आ चुका हूँ मैं घर से आगे। तो अभी अपन यू टर्न ले लेंगे यहाँ से, और पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा रास्ते में, फिर उसके बाद जो बैकअप पेट्रोल है वो डाल करके घर पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी तक हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर चल चुकी है, 20 किलोमीटर, और अभी तक तो KTM जो है हिचकियाँ लेने लग जाती और बंद हो जाती, लेकिन ये अभी तक भी चल रही है। तो जो लोग भी KTM छोड़ करके इस पर स्विच किए हैं ना MT15 पे, वो समझ लो अब इसके बाद जितने भी किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी ना वो बोनस है अब के लिए। हालांकि KTM की एक अलग वैल्यू है, वो बहुत अलग ब्रांड वैल्यू है, बस कंपनी बाइक बोल करके उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो ख़त्म कर दी है लोगों ने। बाकी मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है KTM। तो गाइस अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 46 किलोमीटर, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी 5-10 किलोमीटर और चल जाए तो सही रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कम से कम 55 किलोमीटर तो गाड़ी को माइलेज देना ही चाहिए, और मीटर में भी यही से हो रहा था। और बाकी देखते हैं कहाँ पे हिचकी लेती है, पहली हिचकी कहाँ आती है गाड़ी को, और जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊँगा। ओके और अभी तक भी पेट्रोल है और कोई हिचकी नहीं ली है अभी तक, तो सही चल रही है अभी तो, और देखते हैं किधर चल सकती है। 60 निकल जाए मज़े आ जाए भाई, 60 निकल जाए तो।
काम ही बन जाएगा अपन लोगों का। तो यहाँ पे गाड़ी में रुके 62 किलोमीटर्स। तो मैं एक बार और स्टार्ट करता हूँ जय श्री राम। पहले भी साइड में खड़ी कर लेते हैं। सो गाइस, गाड़ी हो चुकी है बंद और ये रहा हमारी बाइक का फाइनल माइलेज। ये देखो आप ट्रिप टू, और ये रहा 63.7 किलोमीटर माइलेज, 63.7 किलोमीटर जो कि ये एमटी ने दिया है हमारी ने। और इसको अभी एक महीने पुरानी गाड़ी है, ये सिर्फ एक महीने पुरानी गाड़ी है। तो ये रहा है इसका माइलेज। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मीटर में कितने किलोमीटर बता रहा है माइलेज। 55 का इस पर दिखा रहा है, ये देखो एवरेज किलोमीटर पर लीटर 55.4 किलोमीटर। लेकिन जो मैंने अभी माइलेज आपको दिखाया है वो 63 का है। तो ये मान के चलिए आप ये 60 का एक माइलेज ये दे ही देगी आपको हाई स्पीड पे सिटी में सब वगैरह वगैरह करके। सो गाइस, ये रहा आज का हमारी वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको मैंने दिखा दिया है कि गाड़ी माइलेज कितना दे रही है। और अभी ये एक महीने पुरानी है सिर्फ। अभी भी मैंने आपको दिखाया है कि 2000 के लगभग किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। तो 63 का माइलेज है, बहुत सही माइलेज है। और ये पूरे हाईवे पर चली हुई है, सिटी में बिल्कुल भी नहीं गए हम लोग। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मतलब जो स्पीड थी गाड़ी की, वो मैंने हाई स्पीडिंग भी नहीं की है बिल्कुल भी। 60 से 70 के बीच में गाड़ी चली हुई है पूरे टाइम, और यही माइलेज है इसका। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तुम्हारे बाइक चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।